मेरा 3 बच्चा है, शिल्पी, अंजलि, केशव। शिल्पी का उम्र 11 साल, अंजलि का उम्र 7 साल और केशव का उम्र 1.5 साल है। शिल्पी बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, जबकि अंजलि और केशव उसका उम्र का पता नहीं चलता है। उसका चमड़ी उम्र दराज आदमी के जैसा ढीला ढाला चमड़ी दिखता है। इस बात से हम बहुत परेशान हमेशा रहते हैं। डॉक्टरों का कहना था कि ये बीमारी कभी कभी किसी बच्चे में आता है, ऐसा नहीं बताए थे कि मैंने हर बच्चा में बीमारी हो सकता है। उससे पता चला कि इसका इलाज है ही नहीं। उसका शिकायत तो हमेशा 2-4 दिन पर रहता ही है, कभी स्कूल का शिकायत, कभी मोहल्ला का शिकायत, तो ये सुनकर बहुत दुख होता है। पर उसे हम समझा देते हैं कि बेटा चलो, उसको बोलने की आदत है, उसको बोलने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम एक दिन ज़रूर ठीक हो जाओगे। मुझे लगता है कि मैं सारे बच्चे से अलग हूँ, क्योंकि मेरा आँख खुला है इसलिए। बहुत खराब लगता है, कभी सुबह सुबह ये मेरा आँख में नहलते रहता है और रात को मेरा गोल दर्द रहता है, और कभी कभी लगता है कि कभी कभी बिस्तर से उठे ही नहीं। हमको सब बुढ़िया बुढ़िया कहता है, इसलिए हमको गुस्सा आता है। दोनों के मैंने एग्जामिन किया, एग्जामिन से पता चलता है कि बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर में भी जो लग रहा है कि वो प्रोजेरिया का एक हो सकता है, दूसरा उसका कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी हो सकती है, और दूसरा जिसे बोलते हैं क्यूटिस लैक्सा। कंफर्म हम लोग बोल सकते हैं जब तक कि उसका जेनेटिक स्टडी पूरा ठीक से हो जाए। छोटा वाला अच्छा देखने में दिक्कत होती है ना, अभी कंडीशन तो स्टेबल है, केवल प्रॉब्लम इनको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन का हो रहा है। जो ओल्ड एज का जो प्रॉब्लम है वो अभी इस पर शुरू हो चुका है। नहीं, कंडीशन तो सीरियस है। सीरियस इसलिए है कि कोई इलाज नहीं है, पर्टिकुलरली अभी तक हम लोगों के पास कुछ ऐसा इलाज नहीं है कि हम मेडिसिन दें और ये ठीक हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे ही भाई बहन ऐसे क्यों हैं और सभी उन्हें इस तरह से क्यों बोलते हैं कि तुम बुढ़िया हो, इस तरह हो, इस तरह हो। बहुत बुरा लगता है कि जब मेरे भाई बहन को इस तरह कोई बोलता है। अब खत्म नहीं हुआ है। अगर कोई हमारी मदद कर दे तो मैं जिंदगी भर उसकी सेवा करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसा भी नेक इंसान है इस दुनिया में जो हमारी मदद करेगा। मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा तो हम खुश रहेंगे और हमको कोई कहेगा भी नहीं।